हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। आज मैं घर पर ही रावण दहन करूंगी, जिसके लिए मैं कुछ इस तरीके से तैयारियां कर रही हूं। मैं भगवान राम और रावण का सिंबॉलिक चित्र बनाऊंगी और उसके बाद हम लोग रावण दहन करेंगे। बचपन में मैं कुछ इस तरह की चीज़ें किया करती थी, तो सोचा क्यों ना आज इसे बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से किया जाए। उसी पुरानी यादों को वापस से रिक्रिएट करके कुछ नए तरीके से पेश किया जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ इस तरह से मैंने राम जी को बनाकर एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया है और उसको मैं इस तरीके से कलर कर रही हूँ। ठीक उसी तरह हम रावण का भी चित्र बना लेंगे और उसे भी कलर कर देंगे। कुछ इस तरीके से मैं रावण को भी कलर कर रही हूँ। पिंक कलर से मैं नीचे की उसकी धोती कलर कर रही हूँ। जैसे कलर्स चाहे, जो कलर्स पसंद आए, उस तरह से हम लोग इसको कलर कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं येलो कर रही हूँ ताकि वो गोल्ड का एक इफ़ेक्ट आए। बाकी स्किन कलर का उसकी बॉडी को कर देंगे। पूरी तरह कलर करने के बाद हम इसको एक कार्डबोर्ड पे स्टिक कर लेंगे कट करके। अब मैं जैसे दिखा रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। कार्डबोर्ड पे पिक्चर्स को स्टिक करने के बाद हम पीछे की तरफ से एक सपोर्ट क्रिएट कर देंगे। आप किसी भी तरीके से, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से किया है, पीछे की तरफ इस तरह से सपोर्ट लगाया है। वैसे ही सेम हमने इसमें भी किया है। चलिए एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। अब रावण दहन देखने के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए।